हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हैक्स। दिस इज प्रेम पांडे और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस से चैप्टर नंबर 6 कंबस्शन एंड फ्लेम, जलना और लॉ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है यार कि पहली बार एजुकेशनल हैक्स की हिस्ट्री में वन शॉट वीडियो में अपलोड कर रहा हूं। दैट मींस आपको एक ही वीडियो में फुल चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है और ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी बोरियत महसूस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंगली चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है फिगर्स के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, तो आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो हमारे चैनल पे यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप पार्ट वाइज चैप्टर को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम। हम अलग अलग प्रकार के ईंधन का यूज करते हैं अलग अलग काम करने के लिए, अपने घरों में, इंडस्ट्रीज में, एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स और गाड़ियों को चलाने के लिए भी अलग अलग प्रकार के फ्यूल्स ईंधन का यूज होता है। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स? क्या अपने घरों में यूज होने वाले कुछ फ्यूल्स का नाम तुम बता सकते हो? हाँ, हमारा काउडंग से बना हुआ गोबर गैस हो गया, या एलपीजी सिलेंडर्स हो गई, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल भी हम अपने घरों में यूज करते हैं। नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले कुछ फ्यूल्स का नाम बताओ। तो हमारी बहुत सारी है, कोयला हो गया, हमारा चारकोल हो गया, पेट्रोल भी यूज होता है कहीं कहीं। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? गाड़ियों को चलाने के लिए कौन से ईंधन का यूज होता है? हम जानते हैं पेट्रोल एंड डीजल, और आजकल तो सीएनजी भी यूज होने लगा है। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। आपका जो लिस्ट बनेगा कि कौन कौन से फ्यूल हम घरों में, इंडस्ट्रीज में और ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए यूज करते हैं, तो वो सारे फ्यूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। लकड़ी है, कोयला है, चारकोल है, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी है। यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। तुम इतना तो जानते ही होगे कि एक मोमबत्ती कैसे जलती है। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है कि एक मोमबत्ती का जलना और कोयले का जलना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? Maybe you were able to guess right? हो सकता है तुमने सही guess किया हो। क्या अंतर है? जो candle है वो flame के साथ जलता है, मतलब जब candle जलता है तो वो प्रकाश देता है, लौ देता है, लेकिन जो कोयला है वो flame नहीं देता है। Similarly, you will find many other materials burning without a flame. इसी प्रकार से तुम कई ऐसी सारी चीजों को देखोगे जो बिना flame के जलती हैं, जैसे कोयला जलता है। Let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this process. चलो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोई भी चीज जलती है तो वो क्यों जलती है, कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसकी मदद से वो कोई भी चीज जलता है, या कैसे आग को बुझाया जाता है, ठीक है? और हम ये भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के फ्लेम होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज कंबस्शन? कंबस्शन क्या है? सिंपल भाषा में हम कहें तो किसी चीज के जलने को ही हम कंबस्शन कहते हैं। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7th। आपने क्लास 7th में एक एक्टिविटी की होगी, आपने मैग्नीशियम रिबन को जला के देखा होगा। ये है मैग्नीशियम रिबन, ऐसे जल रहा है, तो उसमें हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, और उसके साथ साथ वो गर्मी भी प्रोड्यूस करता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विथ अ पीस ऑफ चारकोल। हमने जो क्लास 7th में एक्टिविटी की थी वैसा ही कुछ हम क्लास 8th में भी कर सकते हैं। हम आज चारकोल को जलाकर देखेंगे। आपको करना क्या है, चिमटी से होल्ड द पीस विथ अ पेयर ऑफ टॉन्ग्स। चारकोल के एक टुकड़े को आपको चिमटी से पकड़ना है और उसे जलते हुए कैंडल के पास ले जाना है या बर्नर के पास ले जाना है। अब तुम क्या देखोगे, वी फाइंड दैट, हम पाते हैं कि जो चारकोल है वो तो जल जाता है, और जैसे चारकोल जलता है वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर। हमें ये भी जानते हैं कि जो कोयला है वो भी एयर में बर्न हो जाता है। एयर में बर्न होने का मतलब ऐसा नहीं है कि हवा चलती रहती है और उसमें आग लग जाती है, जो ओपन एयर होता है, जो नॉर्मल एयर होता है, उसमें आग लग जाती है, उसमें जलने लगता है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस करता है, हीट, गर्मी प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ साथ लाइट भी वो प्रोड्यूस करता है। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ
हीट इज कॉल्ड कंबस्टन, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी चीज ऑक्सीजन के संपर्क में आके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस करता है, उसी को हम कंबस्टन कहते हैं। कोई भी चीज है अगर वो जलता है तो हम उस प्रोसेस को कंबस्टन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगोस कंबस्टन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, और जो चीज जलता है उसको हम combustible substances कहते हैं। जैसे लकड़ी जलती है तो वो combustible substances हो गया, पेपर जलता है इसलिए वो combustible substance हो गया, it is also called a fuel, और इसे हम और क्या कह सकते हैं, हम इसे fuel भी कह सकते हैं। The fuel may be solid, liquid और gas। अब ये जो fuel है, अब ये जो ईंधन है वो solid में भी हो सकता है जैसे लकड़ी, ठीक है, और liquid में भी हो सकता है जैसे हमारा petrol और diesel हो गया, gas भी हो सकता है जैसे हमारे LPG cylinders हो गए, हमारा CNG हो गया, ठीक है। Sometimes light is also given off during combustion। कभी कभी क्या होता है, जब कोई चीज जलती है तो उसके लिए वहां पर प्रकाश भी आता है, वहां पर प्रकाश भी फैल जाता है। Either as a flame or as a glow, हो सकता है वो जो light हो वो flame की वजह से आ रही हो, या केवल glow, केवल जो चमक है उसके जलने से उसकी वजह से आ रही हो। In the reaction mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substances। जो दोनों activity हमने की, हमने charcoal को जलाकर देखा, हमने magnesium को जलाकर देखा, ये दोनों चीजें क्या है, combustible substances हैं, क्योंकि यही दोनों चीजें तो जल रही है ना। We were told that, अब यहाँ पर बूझो कह रहा है कि हमें बताया गया है कि खाना हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है, लेकिन ऐसा क्यों, वो तो जलता नहीं है, फिर कैसे फ्यूल का काम करेगा। तो पहली इसका आंसर कर रही है, कह रही है कि तुम सही हो, हमारे शरीर में खाना छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडी में, गर्मी प्रोड्यूस होती है, तभी तो खाना डाइजेस्ट होता है ना। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा फूड है वो भी एक तरीके का क्या है, फ्यूल है। नाउ एक्टिविटी 6.1, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है यार, इसमें आपको करना क्या है, कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा, कुछ चीजें आपको इकट्ठा करनी है, जैसे मैंगो फ्रूटी वाली पाइप हो गई, प्लास्टिक वाली, माचिस की तीली, मिट्टी का तेल, पेपर और कुछ लोहे के कील और छोटे छोटे पत्थर, ग्लास, ये सारी चीजें आपको इकट्ठा करना है और अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, अपने अध्यापक, अपने टीचर के देखरेख में आपको करना क्या है, इन सारी चीजों को एक एक करके जलाना है। और इफ कंबस्टन टेक्स प्लेस, अगर इनमें से कोई भी चीज जलता है तो हम उसको कंबस्टिबल वाले कॉलम में टिक करेंगे, और अगर उन सारी चीजों में से कुछ नहीं जलता है तो उसको हम नॉन कंबस्टिबल वाले कॉलम में टिक करेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन सा कंबस्टिबल है और कौन सा नॉन कंबस्टिबल है। पहला वुड, लकड़ी, लकड़ी जलती है, हाँ जलती है इसलिए कंबस्टिबल है। पेपर जलता है, हाँ जलता है इसलिए कंबस्टिबल है। आयरन नेल, क्या लोहा जलता है, नहीं इसलिए वो क्या है, नॉन कंबस्टिबल है। केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, क्या जलता है, हाँ इसलिए वो क्या है, कंबस्टिबल है। स्टोन पीस, पत्थर के टुकड़े, जलते हैं, नहीं इसलिए वो नॉन कंबस्टिबल है। स्ट्रॉ, जो मैंगो फ्रूटी वाली पाइप होती है, प्लास्टिक का होता है, जलता है इसलिए वो कंबस्टिबल है। चारकोल, चारकोल को भी जलाया जा सकता है, चारकोल का मतलब होता है लकड़ी का कोयला, ठीक है, छोटे छोटे लकड़ी के आप ऐसे कह सकते हो जलाए हुए पार्ट होते हैं, चारकोल मान लीजिए वो जलता ही है, ठीक है। मैच स्टिक, ये तो जलता ही है। ग्लास, क्या शीशा जलता है, नहीं इसलिए हम नॉन कंबस्टिबल वाले कॉलम में से रखेंगे। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल, क्या तुम ऐसी और भी चीजों को बता सकते हो क्या जो जलती हो। यू कैन एड दोस टू टेबल 6.1, तुम अपनी नोटबुक में एक टेबल बनाओ 6.1 के नेम से और उसमें वो सारी चीजें रखो जो जलती हैं और वो भी चीजें रखो जो नहीं जलती हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबस्टन टेक्स प्लेस, चलो अब हम दया, इंस्पेक्टर दया की तरह इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिर आग लगती है तो कौन से कंडीशन में लगती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक आग जलाने के लिए। अभी एक्टिविटी हम करेंगे एक्टिविटी 6.2 और बहुत केयरफुली करना है, आप कैंडल पकड़ते टाइम जल ना जाइए इस बात का ध्यान रखिए। फिक्स लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, एक टेबल पर क्या करिए, जलता हुआ मोमबत्ती रख दीजिए। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल, और एक चिमनी, ग्लास की चिमनी का मतलब जैसा ऐसा आपको ग्लास रखना है जिसका ऊपर का हिस्सा खुला हुआ हो, ठीक है, ऐसी चिमनी आपको उस कैंडल के ऊपर रख देनी है। और आपको करना क्या है, देखो पहली फिगर में एक चिमनी रखी गई है, लेकिन चिमनी किस चीज पर रखी गई है, दो लकड़ियों पर रखी गई है, आपको लकड़ी दिख रही होगी, ठीक है। दूसरे कंडीशन में कोई भी लकड़ी नहीं है, सीधा चिमनी रख दी गई है।
तीसरे कंडीशन में लकड़ी तो है लेकिन वो क्या है, ऊपर से ढका हुआ है, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन में आपको ये चेक करना है कि मोमबत्ती की हालत क्या हो जाती है। पहले फिगर में जो कैंडल है वो बहुत ही आसानी से जल रहा है क्योंकि नीचे से ऑक्सीजन पास आउट हो रहा है, ठीक है। दूसरे कंडीशन में मोमबत्ती बुझने वाला है और धुआं दे रहा है, स्मोक दे रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नीचे से ऑक्सीजन पास आउट नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, केवल ऊपर से ही थोड़ा बहुत आ रहा है। अब हमने अगर ऊपर से भी ढक दिया तब तो बिल्कुल भी ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी और जो हमारा कैंडल है वो बुझ जाएगा। तो यही था हमारा एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है? वी फाइंड दैट फॉर कंबस्टन, हम ये जानते हैं, हमने ये पाया इस एक्टिविटी से कि किसी भी चीज को जलाने के लिए एयर इज नेसेसरी, हवा जरूरी है क्योंकि हवा में होता है ऑक्सीजन और किसी भी चीज में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो चीज नहीं जलेगी। द कैंडल बर्न्स फ्रीली, अब यहां पे वही सारी कंडीशंस दी गई हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि फिगर ए में मोमबत्ती जो है वो बहुत आसानी से जल रहा है, फिगर बी में थोड़ा बहुत फ्लिकर कर रहा है लेकिन फिर भी जल ही रहा है, लेकिन फिगर सी में जब उसको पूरी तरीके से ढक दिया गया तो वो बिल्कुल भी बुझ गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब यहां पर बुझो कह रहा है कि वी हैव रेड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट, इसे बताया गया है कि जो सूरज है उसका खुद की गर्मी होती है, उसका खुद का प्रकाश होता है। क्या ये भी किसी प्रकार का कंबस्शन है? क्या ये भी किसी प्रकार का जलना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो सूरज का गर्मी है, सूरज के प्रकाश है, वो किस वजह से होता है? वो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होता है। अभी ये सारी चीजें आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी आप इसे छोड़ दो। एक्टिविटी 6.3, इसमें क्या है? प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। आपको क्या करना है? जलती हुई लकड़ी या जलता हुआ चारकोल एक लोहे के तवे पर, जिस पर रोटी पकाई जाती है, उस पर रख दो। उसके बाद क्या करो? एक शीशे के ग्लास से या शीशे के बर्तन से उसको पूरी तरीके से ढक दो ताकि तुम्हें दिख सके कि अंदर क्या हो रहा है। अब देखो अंदर क्या हो रहा है। डस चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम? क्या वो जो चारकोल हमने जलाकर तवे पर रखा था क्या वो बुझ गया है ढकने के बाद? हाँ, बुझ जाएगा यार, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा उसे। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन, क्या कारण हो सकता है उसके बुझने का? तो कारण ये है कि एयर का जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है, इसलिए वो जो आग है अंदर वो भी पूरी तरीके से बुझ गई है। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैचेस फायर, तुमने ये तो सुना ही होगा कि अगर किसी भी इंसान के कपड़े में आग लग जाती है, द पर्सन इज कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट, उस इंसान को चादर से ढक दिया जाता है ताकि आग को बुझाई जा सके। ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसलिए होता है यार ताकि जब चद्दर से ढक देंगे हम तो एयर की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगी, जिससे आग क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, अब आपको डे टू डे लाइफ के कुछ अनुभव के बारे में बताना है। डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, क्या जो माचिस की तीली है वो अपने आप जल जाती है? और अगर अपने आप नहीं जलती तो वो कैसे जलती है? उसे हम माचिस के डिब्बे से रगड़ते हैं तभी तो जलती है ना। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, तुमने कागज का टुकड़ा कभी जलाया है? डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, क्या वो जल जाता है जब हम माचिस की तीली उसके पास लेके आते हैं? हाँ, अगर हम जलती हुई माचिस की तीली कागज के टुकड़े के पास लेके आएंगे तो वो जल जाएगा। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट, क्या तुम ऐसे ही जैसे तुमने कागज को जलाया, क्या तुम ऐसे ही माचिस की तीली से एक बड़ी से लकड़ी को जला सकती हो? नहीं जला सकते हो भाई, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा आपको हीट करना पड़ेगा उस लकड़ी को, तब जाके वो जलेगा। व्हाई डू यू हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल, तुम्हें उस लकड़ी को जलाने के लिए पेपर का यूज क्यों करना पड़ता है? क्यों तुम्हें मिट्टी के तेल डालना पड़ता है उस लकड़ी पर उसे जलाने के लिए? ऐसा क्यों होता है? क्या तुमने कभी जंगल की आग के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूं। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, जब गर्मियों का मौसम होता है और बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो जो जंगल में सूखे घास होते हैं उनमें ऑटोमेटिक आग लग जाती है सूरज की गर्मी की वजह से, या कभी कभी चिंगारी, जो आप ऐसे कह सकते हो जो हमारे क्लाउड्स के स्ट्राइकिंग होता है, जो थंडर स्टॉर्म होता है, जो बारिश के मौसम में बिजलियां कड़कती हैं, उससे भी कभी कभी सूखे ग्रासेस में क्या होते हैं, आग लग जाते हैं, और ये आग धीरे धीरे पेड़ों तक पहुंच जाता है और पेड़ों से पूरे जंगल में फैल जाता है। नाउ डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर, क्या ऊपर जितनी भी चीजें हमने पढ़ी इससे हमें यह पता चलता है कि अलग अलग चीजें अलग अलग टेम्परेचर में आग पकड़ती हैं? जैसे कागज तुरंत आग पकड़ लेता है लेकिन लकड़ी को टाइम लगता है, कोयले को टाइम लगता है। मतलब हमें यह पता चल गया है कि अलग अलग चीजें अलग अलग टेम्परेचर पर फायर को कैच करती हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है कि द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर
इट्स कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, वो सबसे कम तापमान जिस तापमान में कोई भी चीज आग पकड़ती है उसे हम उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे हमारा कागज हो गया, कागज जिस टेम्परेचर पर जला वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे है। जब तक कोई भी चीज अपने इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंचती है तब तक उस पर आग नहीं लगती है। जैसे हम क्या करते हैं, लकड़ी को गर्म करते हैं ना ताकि उसकी इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा जा सके, उसके बाद उसमें आग लग जाती है। ठीक है, कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? क्या अब तुम्हें पता चला जो मैचिस्टिक है, जो माचिस की तीली है उसमें खुद जलाने वाली चीज रहती है लेकिन वो अपने आप बिना रगड़े क्यों आग पकड़ नहीं लेती है? क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचती है। जब हम उसे माचिस के डिब्बे से रगड़ते हैं तब वो अपनी इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचती है और तब जाके आग लगता है। Why does the matchstick start burning on rubbing it? वही यहां पर पूछा गया है कि क्यों माचिस के डिब्बे से रगड़ते ही माचिस की तीली में आग लग जाती है? क्योंकि वो जो माचिस की तीली है वो हिट हो जाती है, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाती है, इसलिए आग लग जाता है। अब यहां पर माचिस के पूरे इन्वेंशन के बारे में बताया गया है कि माचिस कैसे इन्वेंट हुआ और उसमें कौन कौन से केमिकल का यूज होता है, कैसे उसमें आग लगती है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। ये जान लो, ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो माचिस का इतिहास है वो बहुत ज्यादा पुराना है, मोर देन 5000 ईयर्स अगो, आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है। देवदार की छोटी छोटी लकड़ियों को सल्फर में डुबोया जाता था और उसी से माचिस का काम किया जाता था, और ये बात है एंशिएंट इजिप्ट की। लेकिन जो आज के माचिस हैं, जो हम यूज करते हैं, वो लगभग 200 साल पहले बनाई गई थी। कैसे बनाई गई थी? अ मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, कुछ केमिकल्स का यूज किया गया था जैसे ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और व्हाइट फॉस्फोरस। ये इन तीन केमिकल्स को ग्लू, कुछ चिपकने जैसी चीज में मिलाया जाता था और उस पर स्टार्च भी अप्लाई किया जाता था, और ये सारा जो मिक्सचर है, ये जो सारा लेप है, उसको क्या किया जाता था, माचिस की तीली के ऊपरी वाले हिस्से में लगा दिया जाता था। और जब इसे व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, जब इसे कभी खुरदुरे सरफेस पर रगड़ा जाता था तो जो व्हाइट फॉस्फोरस है उसमें आग लग जाती थी। किसकी वजह से? रगड़ने की वजह से। दिस स्टार्टेड द कंबस्शन ऑफ द मैच, और इसकी वजह से वो माचिस की तीली जलने लगती थी। लेकिन जो व्हाइट फॉस्फोरस है प्रूव्ड टू बी डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक है उन दोनों के लिए। किन दोनों के लिए? जो माचिस की तीलियों को बनाता है और जो इसे यूज करता है, दोनों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था, इसलिए इसे हटा दिया गया। अब क्या यूज होता है? These days, the head of the safety match, आज के दिनों में जो matchstick बनाई जाती है उसमें केवल दो चीजें होती हैं, एक होता है antimony trisulfide और दूसरा होता है potassium chlorate। इनको क्या किया जाता है? The rubbing surface has powdered glass, जो matches का डिब्बा होता है ना उसमें भी दो चीजें मिलाई जाती हैं और माचिस की तीली में भी दो चीजें। माचिस की तीली में एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट होता है, और जो माचिस का डिब्बा होता है उसमें क्या होता है, उसमें शीशे के एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स को लगा के और रेड फॉस्फोरस मिलाया जाता है और माचिस के डिब्बे में लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो रेड फॉस्फोरस होता है वो थोड़ा कम डेंजरस होता है व्हाइट फॉस्फोरस के मुकाबले। ठीक है, और जब माचिस की तीली को माचिस के डिब्बे से रगड़ा जाता है, जो रेड फॉस्फोरस है वो व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो तुरंत पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्शन करता है जिससे चिंगारी निकलती है और आग लग जाता है, माचिस की तीली जलने लगती है। तो ये था पूरा माचिस का इतिहास और कैसे जलता है, कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वी फाइंड दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एस लॉन्ग एस its temperature is lower than its ignition temperature। यहां पर यह बताया गया है कि कोई भी जलने वाली चीज हो, कोई भी combustible substance हो, जैसे paper हो गया, जैसे लकड़ी हो गया, वो तब तक आग नहीं पकड़ेगा जब तक वो अपने ignition temperature तक नहीं पहुंच जाता है। समझ गए? अब पता चला क्यों कागज जल्दी आग पकड़ लेता है और जो लकड़ी है वो देर में आग पकड़ता है, क्योंकि उसके ignition temperature तक नहीं पहुंचा है वो। ठीक है, Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? क्या तुमने कभी देखा है जो खाना बनाने वाला तेल होता है उसमें आग लग जाती है जब बहुत लंबे समय तक उसे स्टोव पर रखा जाता है और छोड़ दिया जाता है ना, तो उसमें आग लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो कुकिंग ऑयल है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच चुका है।
केरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल होता है और लकड़ी होती है, डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन, वो अपने आप से आग नहीं पकड़ते हैं। मिट्टी का तेल ऐसा नहीं है कि अपने आप जल जाएगा, लकड़ी ऐसी नहीं है कि अपने आप ही जल जाएगा, बट लेकिन अगर मिट्टी के तेल को थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए, थोड़ी सी किसी चीज से आग लगा दी जाए, इट विल कैच फायर, इसमें आग लग जाएगी। जैसे माचिस की तीली ही उसके पास ले जाया जाए तो आग लग जाएगी, लेकिन अगर वहीं पर लकड़ी को हम थोड़ा सा हीट करें तो आग नहीं लगने वाली है। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि लकड़ी अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, उसको थोड़ा और गर्म करेंगे हम, थोड़ा टाइम तक गर्म करेंगे, तब जाके लकड़ी में आग लगेगी। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? क्या इसका यह मतलब है कि जो मिट्टी का तेल है उसका इग्निशन टेम्परेचर लकड़ी के इग्निशन टेम्परेचर से कम होता है? हाँ सही है, क्योंकि मिट्टी का तेल जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम है, और लकड़ी जो है वो बाद में आग पकड़ता है, इसलिए इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? क्या इसका ये मतलब है कि हमें मिट्टी के तेल को बहुत सावधानी से स्टोर करना चाहिए? हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है और जल्दी से आग पकड़ लेता है। The following activity shows that it is essential for substance to reach ignition temperature to burn. अब ये जो नीचे आपको एक्टिविटी दिखाई गई है, इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि किसी भी चीज में आग लगाने के लिए उसको अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ता है। अब यहां पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.4, इसमें आपको करना क्या है, आपको दो पन्नों से क्या करना है, कप जैसी ये जो चीज है ये बना लेनी है, और क्या करना है, किसी एक कप में लगभग 50 मिलीलीटर पानी डाल दो और दोनों कपों को कैंडल में जैसे हीट किया जा रहा है ना, ऐसे हीट करो। अब आपको क्या मिलता है, व्हाट हैपेंस टू द एम्प्टी पेपर, जो खाली वाला पेपर है उसके साथ क्या होता है, तुम देखोगे वो जो खाली वाला पेपर है जैसे ही हम कैंडल पर रखते हैं वो जल जाता है। व्हाट हैपेंस टू द पेपर कप विथ वाटर, अब वो जो जिसमें तुमने पानी डाला है उस वाले पेपर कप का क्या होगा, तुम देखोगे वो नहीं जलेगा। ऐसा क्यों होता है? डज वॉटर इन दिस कप बिकम हॉट, क्या जो पानी उस कप में रखा गया है, वो पेपर के कप में रखा गया है, क्या वो बॉइल होना स्टार्ट हो जा रहा है, क्या वो गर्म होना स्टार्ट हो रहा है क्या? इन सारी क्वेश्चंस के आंसर हम नीचे दे रहे हैं कि इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, अगर हम लगातार उस जो पेपर के कप हमने बनाए हैं उसको हम लगातार हीट करते रहें जिसमें हमने पानी रखा है, तो यहां तक हम इतना भी कर सकते हैं कि पानी बॉइल होने लगेगा कुछ समय बाद। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ द एक्सप्लेनेशन व्हाई दिस हैपेंस, ये क्यों हुआ, क्या तुम सोच सकते हो क्यों कागज नहीं जला, दूसरे केस में क्यों कागज नहीं जला, क्यों पानी बॉइल होने लगा? ये इसलिए होता है, द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वॉटर, जो हीट जो गर्मी कैंडल दे रहा है वो पेपर को नहीं मिल रहा, वो ट्रांसफर हो जा रहा है वॉटर पर, इसी के लिए वॉटर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, लेकिन पेपर जल नहीं रहा है, पेपर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वॉटर, और इसीलिए जब तक पानी उस कप में रहेगा उस पेपर का इग्निशन टेम्परेचर, वो पेपर अपनी इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा, hence it does not burn, और इसी के लिए उसमें आग भी नहीं लगेगी। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन दी गई है कि द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, ऐसे सब्सटेंसेस ऐसे पदार्थ जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो एंड कैन इजिली कैच फायर, और जो जल्दी से आग पकड़ लेते हो, उन्हें हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं, जो केवल एक फ्लेम से, जो केवल एक चिंगारी से ही आग पकड़ लेते हो, उन्हें हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल के आसपास पेट्रोल टंकी पर आप अगर जाओ तो कहा जाता है आप सिगरेट ना जलाओ, आप माचिस की तीली ना लेके जाओ, क्यों, क्योंकि एक चिंगारी से भी उसमें आग लग सकती है। एलपीजी जो सिलेंडर हमारे घरों में यूज होता है उसमें भी, वो भी एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, तुरंत इसमें आग पकड़ लेती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, क्या तुम ऐसे और भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का लिस्ट बना सकते हो क्या जो जल्दी से आग पकड़ लेती हैं? सोचो और बनाओ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम आग को कैसे रोक सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड
ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, तुमने सुना होगा या तुमने देखा होगा कि घरों में आग लग जाती है, दुकानों में आग लग जाती है, फैक्ट्रीज में आग लग जाती है। इफ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, अगर तुमने इस प्रकार की कोई भी घटना देखी है, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में इस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में लिखिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। आपको करना क्या है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने अगल बगल का जो फायर स्टेशन का नंबर है उसको रखो अपने पास। इफ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस, अगर तुम्हारे घर में आग लगती है और इन योर नेबरहुड या पड़ोस में आग लगती है, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, फायर ब्रिगेड को कॉल करना। इट इज इंपॉर्टेंट, अब यहां पर पहली पूछ रही है, बता रही है कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सबके पास हमारे फायर स्टेशन फायर सर्विस का नंबर हो, जैसे पहली के पास है। नाउ नेक्स्ट, डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या तुम्हारे शहर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है क्या, ऐसी लाल लाल गाड़ियां खड़ी रहती हैं वहां पर, उसको हम फायर ब्रिगेड स्टेशन कहते हैं, ठीक है। When a fire brigade arrives, what does it do? जब कहीं आग लगती है और फायर ब्रिगेड आता है तो वो करता क्या है? सबसे पहले आपने देखा ही होगा कि वो उसका सबसे पहला काम होता है कि जलती हुई चीज पर पानी डालना। It pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. और पानी डालने से होता क्या है, जो वाटर होता है वो जलने वाली चीज को ठंडा कर देता है, और इस वजह से जो टेम्परेचर, जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जिस वजह से वो जल रहा होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए वो आग बुझ जाती है। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्पीडिंग, और इससे क्या होता है, आग फैलती नहीं है। अब उसके अलावा क्या होता है, जो पानी जब आग पर पड़ता है तो भाप बनाता है, वेपर बनाता है, ठीक है, जिससे वेपर से क्या होता है, वो पूरी जलने वाली चीज को सराउंड कर लेता है, घेर लेता है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है, और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कटेगी आग भी हमारा बुझ जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है, आग तभी जलती है जब ऑक्सीजन होता है। यू हैव लर्न दैट देयर आर थ्री एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तुमने ये तो सीखा ही होगा, मैंने अब तक चैप्टर में बताया आपको कि तीन चीजें जरूरी होती हैं किसी भी आग को जलने के लिए। वो कौन सी चीजें होती हैं, कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स, ये जरूरतों को तुम लिस्ट कर सकते हो, कौन सी तीन चीजें हैं, चले मैं आपको बताता हूँ। दीज आर फ्यूल, एयर एंड हीट। अब सबसे पहली चीज है कि फ्यूल, जो चीज जल रही है उसका होना तो जरूरी है, क्योंकि वो चीज ही नहीं रहेगी तो जलेगा क्या। ऑक्सीजन का होना जरूरी है, और ऑक्सीजन कहां से मिलता है हमें, एयर से मिलता है। दूसरी चीज हीट, कहीं ना कहीं आग का एक फ्लेम चाहिए, हीट चाहिए, तभी तो आग जलेगी ना। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, हीट देने से क्या होता है कि किसी भी चीज का टेम्परेचर राइज होता है या लो होता है, लो तो नहीं होता, राइज ही होता है, और राइज होकर वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाता है जिससे उसमें आग लग जाती है। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। हम आग को इन तीनों में से किसी भी चीज को हटाकर, फ्यूल, एयर और हीट, इन तीनों में से अगर कोई भी चीज ना हो तो जो आग है वो बुझ जाएगी, उस पर हम काबू पा सकते हैं। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। अब जो फायर एक्सटिंग्यूशर जो सिलेंडर्स में हमारे ऑफिस में हमारे घरों में लगाए जाते हैं ना, फायर एक्सटिंग्यूशर, उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को एकदम कट कर देती हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलता, आग नहीं जलती, या कभी कभी वो क्या करते हैं, जो जलने वाली चीज है उसके टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं, और जैसे ही वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आता है आग बुझ जाती है, या कभी कभी तो दोनों करते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर दोनों काम कर लेते हैं, एयर की सप्लाई को भी कट कर सकते हैं और टेम्परेचर को डाउन भी कर सकते हैं। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। एक बात का ध्यान रहे कि ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर मामलों में जहां आग लगती है वहां पर हम फ्यूल को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि वही चीज तो जल रही है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लगती है, अब बिल्डिंग कैचेस फायर, द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल। अब आग लगी है बिल्डिंग में तो जो चीज जल रही होती है वही तो है ना कंबस्टिबल सब्सटेंस, वही तो है ना फ्यूल। अब हम पूरी बिल्डिंग को तो नहीं हटा सकते ना वहां से कि बिल्डिंग उठाया पानी में डाला लो आग बुझ गई, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो इन चीजों का हमें
ख्याल रखना होता है। अब यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया, इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जो ये फायर एक्सटिंग्विशर है, आपको इसमें बताया गया है कि पानी जो होता है वो केवल कौन कौन से आग के लिए काम आता है। अगर लकड़ी में आग लगी है या पेपर में आग लगा है तब तो पानी बुझा देता है, लेकिन जैसे किसी बिजली की चीजों में आग लग गई, किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लग गई, या कहीं पेट्रोल से आग लग गई, तो वहां पर पानी काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता? अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगी है और आप पानी डालोगे तो हो सकता है करंट भी पैदा हो सकती है, करंट भी लग सकता है लोगों को। और पेट्रोल में आप पानी क्यों नहीं डाल सकते? इसलिए अगर पेट्रोल से आग लगी है तो जो पानी होता है वो पेट्रोल से हैवी होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, पानी पेट्रोल से नीचे आ जाएगा और पेट्रोल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो जलता ही रहेगा। इस केसेस में हम क्या करते हैं? इस केसेस में हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। अब ये जैसा सिलेंडर जैसी चीज दिख रही है ना, ये है फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें कौन सी गैस होती है? इसमें CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये करता क्या है? ये जल्दी से जो जलने वाली चीज है उसके अगल बगल सराउंड हो जाता है, और जैसे ही CO2 आ जाता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई कट गई तो आग भी हमारा बुझ जाता है, यही यहां पर बताया गया है। नाउ टाइप्स ऑफ कंबस्टन, जलना कितने प्रकार का होता है? चलो, ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। आपको करना क्या है इस एक्टिविटी में? एक्टिविटी नहीं है एक्चुअली, आप क्या करो कि एक जलती हुई माचिस की तीली को या लाइटर, जो गैस जलाने वाली लाइटर होती है ना, उसको किचन में ले जाओ, और जो गैस स्टोव है जिस पर खाना पकाया जाता है उसके जो नॉब है, जो उसका बटन है जिससे वो ऑन होता है, उसको क्या कर दो? टर्न ऑन कर दो। अब क्या तुम देखोगे? What do you observe? We find that हम देखते हैं कि जो गैस है वो तुरंत आग पकड़ लेती है, तुरंत हमारा गैस स्टोव जलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? Such combustion is known as rapid combustion. अब ऐसी जो आग लगना होता है जो तुरंत आग पकड़ लेती है उसको हम रैपिड कंबस्शन कहते हैं। ये हमारा यहाँ पर एक डिफिनीशन दिया गया है कि सच वी फाइंड दैट गैस बर्न्स रैपिडली, मतलब कि दैट सब्सटेंसेस दैट बर्न्स रैपिडली and produces heat and light. Such combustion is known as rapid combustion, मतलब तेजी से जल जाना, ठीक है? There are substances like phosphorus which burns in air at room temperature. अब ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे phosphorus हो गया, white phosphorus खास कर, ये white phosphorus क्या होता है? उसका अगर हम इसको room में भी रख देते हैं और ये oxygen के contact में आता है ना, इसमें अपने आप ही आग लग जाती है, इसलिए white phosphorus को बहुत safely रखा जाता है। अब ऐसे कंबस्शन जो बिना किसी चीज की मदद से ही जल जाए, जैसे हमें माचिस की तीली लाना पड़ा था ना गैस जलाने के लिए, लेकिन यहां पर फास्फोरस को जलाने के लिए ऐसी कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, बस इसे ऑक्सीजन चाहिए, तुरंत जल जाएगा। तो ऐसे कंबस्शन को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहते हैं। यहां पर डिफिनेशन दी गई है, द टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। ऐसे प्रकार का कंबस्शन जिसमें जो चीज है वो तुरंत आग पकड़ लेती है, विथाउट द अप्लीकेशन ऑफ एनी अपारेंट, बिना बाहरी चीजों के अप्लीकेशन के, मतलब बिना माचिस की तीली के या बिना किसी चीज के ही आग पकड़ ले, उसको हम स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि जो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मेनी डिजास्ट्रस फायर्स इन कोल माइंस। क्या होता है? जो कोल डस्ट होता है, जो कोयले का धूरा होता है, वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है ना तो वो अपने आप आग पकड़ लेता है। इससे क्या होता है, कभी कभी कोल माइन में बहुत भयंकर आग लग जाती है और बहुत लोगों की जान भी चली जाती है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स, जो तुरंत जंगल की आग भी क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन है। क्यों? क्योंकि जंगल की आग को भी कभी कभी क्या होता है, लाइटनिंग, जो आसमान में लाइटनिंग हो रही होती है ना, बिजलियां कड़क रही होती हैं या सूरज की गर्मी से ही इसमें आग लग जाती है, किसी और चीजों की जरूरत इसको नहीं पड़ती है, इसलिए इसको हम स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहते हैं। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर, लेकिन वो बात अलग है कि ज्यादातर जो जंगल के आग होते हैं वो इंसान की लापरवाही से लगते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर हम कैंप लगाएं जंगल में जाके, तो वहां से निकलने से पहले हम कैंप के आग को बुझा दें, एक्सटिंग्विश कर दें। नाउ आगे यहां पर दिया गया है कि वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। हम ज्यादातर क्या करते हैं, जैसे ही त्योहार आते हैं तो हम पटाखे जलाने लगते हैं। व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड, जब पटाखों में आग लगाई जाती है।
अ सडन रिएक्शन टेक प्लेस, एक अचानक से रिएक्शन होता है जिसमें बहुत ज्यादा हीट, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है, बहुत ज्यादा लाइट निकलता है, ऐसे चमक जाती है ना पूरा एनवायरमेंट, और बहुत ज्यादा साउंड भी निकलता है, आवाज करती है जब ये पटाखों को जलाया जाता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। अब इसकी वजह से क्या होता है, पटाखों में जैसे ही पटाखा फूटता है तो बहुत सारा धुआं, बहुत सारा गैस निकल जाता है। इस रिएक्शन को हम एक्सप्लोजन कहते हैं, धमाका कहते हैं, कहते हैं ना बहुत गजब का धमाका हुआ इस पटाखे से। बॉम्ब भी जब फटता है तो वो भी एक प्रकार का क्या है, एक्सप्लोजन है। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रेकर। अब ये धमाका कैसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि धमाके के लिए हमें आग ही लगानी पड़े उस पटाखे में। आप क्या करो, हम एक छोटे पटाखे का नाम जानते होंगे, हम अपने लोकल लैंग्वेज में इसे चुटपुट पटाखा कहते हैं। उस पे हम जब बहुत तेज से प्रेशर देते हैं या उसे कहीं पटक देते हैं ना, तो उसमें वो ऑटोमेटिक फट जाता है, आवाज देता है। तो जरूरी नहीं है कि क्रेकर्स को जलाने के लिए हमें आग की जरूरत पड़े, वो प्रेशर की वजह से भी फट जाते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे फ्लेम लॉ। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम। एक एलपीजी गैस सिलेंडर जो हमारे घरों में जलता है, देखो ये जल रहा है ना, यहाँ पर इसके फ्लेम का कलर क्या है, हल्का ब्लू कलर का है, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम, एक मोमबत्ती को जलाओ और उस कैंडल का फ्लेम किस कलर का है। आप देख रहे हो वो येलो और हल्का रेड कलर में है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7। अगर आपने क्लास 7 में एक एक्टिविटी की होगी मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाला, तो ठीक है, नहीं तो इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स, अगर आपने उन चीजों को नहीं जलाया है तो आपको यहां पर जला जला कर देखना पड़ेगा। कौन कौन सी चीजों को जलाना पड़ेगा आपको, कैंडल है, मैग्नीशियम है, कैम्फर कपूर है, केरोसिन स्टोव, चारकोल, इन सारी चीजों को जलाना है। और करना क्या है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्व करना है कि वेदर ऑन बर्निंग, कि जलने पर ये सारी चीजें फ्लेम देती हैं या फ्लेम नहीं देती है। तो चलो फटाफट टिक कर लेते हैं। सबसे पहला कैंडल है, आप जानते हो जब कैंडल जलता है तो फ्लेम देता ही है, तो उसको फॉर्म्स फ्लेम वाले में टिक करो। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हमने आपको फिगर दिखाया था मैग्नीशियम रिबन को जलाते हुए, तो वो भी क्या कर रहा था, फ्लेम दे रहा था, तो हम यहाँ पर फॉर्म्स फ्लेम में टिक करेंगे। कैम्फर कपूर जो हमारे घरों में जलाया जाता है वो भी फ्लेम देता है, तो फॉर्म्स फ्लेम में टिक करेंगे। केरोसिन स्टोव जो हमारी मिट्टी के तेल का स्टोव होता है, हमारे घरों में पुराने जमाने में जलाया जाता था ना, वो भी फ्लेम देता है, तो उसको हम फॉर्म्स फ्लेम में टिक करेंगे। अब बचा चारकोल। चारकोल हमारा कोयले जैसी चीज होती है और ये फ्लेम नहीं देता जलते टाइम, इसलिए डज नॉट फॉर्म फ्लेम। अब यहां पर कुछ दिया गया है, आप देख सकते हो फ्लेम्स ऑफ केरोसिन लैंप कैंडल एंड बंसन बर्नर, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फ्लेम्स दिए गए हैं। एक मिट्टी के तेल का फ्लेम है, एक कैंडल का, और एक बर्नर का जो गैस से चलती है ना बर्नर, उसका फ्लेम है, यहाँ पे आप देख लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाउ एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी इसके लिए हमें, लाइट अ कैंडल, कैंडल को जलाओ, मोमबत्ती को जलाओ, होल्ड अ ग्लास ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टॉन्ग्स। अब क्या करना है आपको, बिल्कुल ऐसे, ये ग्लास ट्यूब दिख रहा है ना, ये एक्टिविटी आप, मैं बता देता हूँ, फिगर देखो बस। ग्लास ट्यूब लेना है, ग्लास ट्यूब मतलब दोनों तरीके से वो ओपन रहता है, इधर से भी ओपन रहता है और उधर से भी ओपन रहता है। आपको करना क्या है, ग्लास ट्यूब को आपको ये जो डार्क जोन होता है, ये कैंडल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वहां पे आपको लगा देना है, और दूसरे वाले हिस्से में जलती हुई माचिस की तीली लेके आनी है। आप देखोगे कि इस तरफ हल्का हल्का फ्लेम दिख रहा है। ये फ्लेम क्यों होता है, ये फ्लेम इसलिए होता है क्योंकि जो कैंडल है वो धीरे धीरे पिघल रहा है, वैपोराइज हो रहा है, और जैसे जैसे कैंडल पिघलेगा इधर वैपर्स आएंगे इस तरफ और इधर भी फ्लेम जल जाएगा, यही हमें पता करना था। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि द सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ विच वैपोराइज, जो जलते जलते वैपोराइज हो जाए, वैपर बन जाए, उड़ जाए, जो जलते जलते ड्यूरिंग बर्निंग वो फ्लेम देते हैं। फिर से सुन लो, वो सब्सटेंसेस जो जलते जलते वैपोराइज हो जाए, मतलब जलते जलते खत्म हो जाए, जैसे मोमबत्ती हो गई, मिट्टी का तेल हो गया, ये जलते जलते खत्म हो जाते हैं ना, तो इन फ्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्लेम्स देते हैं, जैसे कि केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल मैंने आपको बताया, मोल्टन वैक्स मैंने बताया, मोमबत्ती, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, फ्लेम्स देती हैं, क्योंकि ये जलते जलते क्या हो जाती हैं, वैपोराइज हो जाती हैं,
उड़ जाती हैं। अब एक चीज और दी गई है कि चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वैपोराइज। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चारकोल जो कि कोयले जैसा होता है और वो वैपोराइज नहीं होता, वो वेपर्स बन के उड़ नहीं जाता है, क्योंकि कोयला जलेगा तो उसकी राख भी वहीं पर ही रहेगी ना। तो जो चीजें वेपोराइज नहीं होती वो फ्लेम नहीं देती है, सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। हमने एक्टिविटी 6.6 में देखा कि जो वेपर्स हैं, जो वैक्स, जो मोमबत्ती के ये वेपर्स है ना, वो इस तरफ आ रहे हैं और इसी की वजह से वो माचिस की तीली अगर हम इसके पास लेके आए तो फ्लेम जलने लगेगा। समझ गए क्यों होता है ऐसा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कैंडल के पार्ट्स बता देता हूं, क्योंकि आगे आपको टर्म्स आएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो कि कौन कौन से कैंडल के पार्ट होते हैं, क्या ल्यूमिनस जोन क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस जोन क्या होता है। चलो आप देखो, कैंडल का सबसे हॉटेस्ट पार्ट सबसे ऊपर दिया गया है, जो सबसे गर्म हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन। ठीक है, जो बीच वाला हिस्सा होता है जो येलो कलर का है, मॉडरेटली हॉट, उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस जोन। ठीक है, और जो नीचे होता है, जो सबसे कम गर्म होता है, जो लीस्ट हॉट होता है, उसको हम कहते हैं डार्क जोन या ब्लैक जोन। ठीक है, नीचे हमारा कैंडल है, वैक्स कैंडल है, इतना तो हम जानते ही हैं। सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम आउटर मोस्ट जोन कहते हैं, बीच वाले को हम मिडल जोन कहते हैं, और जहां से वो विक निकला रहता है, वो बत्ती निकली रहती है ना जलाने वाली, उसको हम कहते हैं इनर मोस्ट जोन। फिर से जान लो, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस कौन सा है, जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट है वो नॉन ल्यूमिनस जोन है, जो ब्लू कलर का है। ठीक है, और जो येलो कलर का है वो हमारा क्या है, ल्यूमिनस जोन है। Got it? Now, आगे हम पढ़ते हैं कि when the candle flame is steady, जब कैंडल का जो फ्लेम है, जो लौ है, वो एकदम ठीक से जल रहा हो, तो तुम्हें क्या करना है, एक साफ ग्लास की प्लेट लेनी है, एक साफ ग्लास की स्लाइड लेनी है। ठीक है, और उसको क्या करना है, ल्यूमिनस जोन पे रख देना है, बिल्कुल ऐसे। अब तुम क्या देखोगे, होल्ड इट देयर विथ अ पेयर ऑफ टॉन्ग्स, चिमटी से उसको 10 सेकेंड तक वहीं पर पकड़ के रखो और उसके बाद हटा लो। अब तुम क्या देखोगे, तुम देखोगे कि एक गोले कलर का, सर्कुलर ब्लैक कलर का रिंग बन गया है, धुएं का, धुएं के धब्बे पड़ गए हैं। इसका मतलब क्या है, इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ये हमें बताता है कि जो मोमबत्ती है, जो कार्बन पार्टिकल्स को वो नहीं जला पाई है, वो वेपोराइज हो रहे थे, लेकिन ग्लास स्लाइड लगाने की वजह से काले काले धब्बे स्लाइड पर पड़ गए। ठीक है, होल्ड इट थिन। अब नेक्स्ट चीज हमें करना है कि एक पतली सी कॉपर की तार लो और उसको लगभग 30 सेकेंड तक मोमबत्ती के ये जो हॉटेस्ट पार्ट होता है वहां पर रखो। ठीक है, आप देखोगे कि जो आउटसाइड फ्लेम, जो फ्लेम के बाहर वाला हिस्सा है, वो बिल्कुल रेड हो गया है। इसका मतलब क्या है, नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। तुमने देखा कि जो ये फ्लेम के बाहर वाला हिस्सा है वो एकदम लाल हो जाता है, उसका टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज अ हाई टेम्परेचर। क्या इसका ये मतलब है कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन है, नॉन ल्यूमिनस जोन मतलब हमने यहां पर बताया था ना, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, तो यही यहां पर कह रहा है कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है वो सबसे गर्म हिस्सा होता है कैंडल का। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सुनार होता है वो आपने देखा होगा, ये है यहां पर सुनार, आपने देखा होगा वो मुंह में पाइप लगाकर आउटर मोस्ट जोन से क्या करता है, जो कैंडल, जो फ्लेम का आउटर मोस्ट जोन होता है, आउटर मोस्ट जोन मतलब देख रहे हो सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उससे ये क्या करता है, उससे ये जो सोना होता है, चांदी होता है, इससे वो पिघलाता है। ऐसा वो क्यों करता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। जो सुनार होते हैं वो क्यों फ्लेम के आउटर मोस्ट हिस्से से सोने और चांदी को पिघलाते हैं, ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो फ्लेम का आउटर मोस्ट जोन होता है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। यहां पर लिखा गया है ना हॉटेस्ट पार्ट, और इस तरफ देखो आउटर मोस्ट जोन, तो आउटर मोस्ट जोन सबसे गर्म हिस्सा होता है। अब गोल्ड और सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो उनको पिघलने के लिए तापमान चाहिए होता है, वो बहुत हाई होता है, और वो उन्हें कहां मिलेगा, वो उन्हें आउटर मोस्ट फ्लेम में मिलेगा। इसलिए जो सुनार होते हैं वो आउटर मोस्ट लेयर से क्या करते हैं, अपने गोल्ड और अपने सिल्वर को मेल्ट करते हैं। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि व्हाट इज फ्यूल, ईंधन क्या होता है। रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेस आर मेनली वुड, चारकोल,
पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। हम जानते हैं कि हमारे घरों में या इंडस्ट्रीज में भी हीट एनर्जी देने के लिए, मतलब कोई चीज पकाने के लिए हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी लेते हैं। और वो हीट एनर्जी हमें कहां से मिलता है, ज्यादातर लकड़ियां जला के मिलता है, चारकोल जलाकर मिलता है, पेट्रोल जलाकर मिलता है, केरोसिन मिट्टी का तेल जलाकर मिलता है। इन्हीं सारे सब्सटेंसेस को हम फ्यूल्स कहते हैं। अब एक अच्छा फ्यूल कैसा होना चाहिए, अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडिली अवेलेबल। एक अच्छा फ्यूल, एक अच्छा ईंधन वो होता है जो आसानी से अवेलेबल हो, मौजूद हो, इट इज चीप, वो सस्ता हो, और इट बर्न्स इजली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, और ये आसानी से ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने से जलने लगे। हम उसको अगर जलाएं तो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में वो ठीक से जले और मॉडरेट रेट से जले। मॉडरेट रेट का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा धमाका सा हो जाए, ठीक है, आराम से मॉडरेट रेट पे जले। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ इट। और एक गुड फ्यूल को और कैसा होना चाहिए, एक अच्छा फ्यूल जो होता है वो बहुत ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस करता है जिससे ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। और जो एक अच्छा फ्यूल होता है, जो गुड फ्यूल होता है, वो अपने पीछे कोई भी खतरनाक गैसेस नहीं छोड़ता है, कोई भी खतरनाक सब्सटेंसेस नहीं छोड़ता है। देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसीडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है जिसको हम एक आदर्श फ्यूल कह सकें, जिसे हम एक आइडल फ्यूल कह सकें, ठीक है। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल, हमें एक ऐसे ईंधन की तलाश करनी पड़ेगी विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी ज्यादातर जरूरतों को पूरा करे हमारे पर्सनल काम के लिए। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, जो ईंधन होते हैं, जो फ्यूल्स होते हैं, वो अलग अलग दामों पे मिलते हैं। कुछ फ्यूल्स सस्ते होते हैं, कुछ फ्यूल्स महंगे होते हैं, जैसे पेट्रोल 80 रुपए है, लकड़ी जो है हमारा सस्ता है, मिट्टी का तेल हमारा सस्ता है। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स, आपको करने क्या है, आप जितने फ्यूल्स को जानते हो उनका लिस्ट बनाइए और सॉलिड, लिक्विड और गैस में उन्हें कैटेगराइज करिए। यहां पर एक टेबल दिया गया है, टेबल 6.3 यहां पर कैटेगराइज किया गया। चलिए देखते हैं, सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल में हमारा लकड़ी दी गई है, चारकोल दिया गया है, कोयला तो उसने पहले से ही लिख के रखा था, तो तीन हो गए हमारे सॉलिड फ्यूल, कौन कौन सा, कोयला, लकड़ी और चारकोल। लिक्विड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल में हमारा कौन सा आता है, हमारा पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल हो गया, डीजल भी हो गया क्योंकि वो भी गाड़ियों को चलाने के काम आता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, फ्यूल है। नाउ गैसियस फ्यूल, गैसियस फ्यूल में कौन कौन सा आता है, सीएनजी, पीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये हमारा आता है पीएनजी, नहीं सॉरी एलपीजी होना चाहिए यहां पर, ये रॉन्ग लिखा गया है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, समझ गए ना आप। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्यूल इफिशियंसी, कि हम ईंधन को कैसे बचा सकते हैं, हमें क्यों बचाना चाहिए। सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉइल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एस अ फ्यूल। मान लो कि तुम्हें कहा गया हो कि तुम पानी गर्म करो किन चीजों का प्रयोग करके, या तो काउडंग, काउडंग का क्या मतलब होता है, हम जानते हैं गाय के गोबर से एक फ्यूल बनाया जाता है, ईंधन बनाया जाता है, जो गांव में उपरी कहते हैं जिसे हम, ठीक है। तो क्या होता है कि तुम्हें तीन ईंधन, तीन फ्यूल दिया गया है, एक काउडंग दिया गया है, कोयला दिया गया है और एक एलपीजी दिया गया है। अब कहा गया है आपसे कि आप पानी गर्म करिए इन्हीं फ्यूल के मदद से, आप कौन से फ्यूल का यूज करोगे। अगर मुझसे पूछो तो मैं तो काऊ डंग का यूज करूंगा, क्योंकि भाई गाय तो गोबर अनलिमिटेड देती है ना, लेकिन कोयला और एलपीजी तो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड सोर्सेज हैं, वो खत्म हो जाते हैं। आप अपना रीजन दो, हमने रीजन ये दिया कि एलपीजी एंड कोल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, बट काऊ डंग इज नॉन एग्जॉस्टिबल, वो खत्म नहीं होगा। You may take the help of your parents. आप अपने parents की भी मदद ले सकते हो। इसमें parents की क्या मदद लेना, हमने बता दिया ना आपको कि cow dung ही आप करोगे क्योंकि वो क्या है, वो खत्म नहीं होगा, लेकिन LPG और कोयला जो है वो खत्म हो सकता है। Do these three fuels produce the same amount of heat? क्या ये तीनों fuels एक ही मतलब कि सेम अमाउंट ऑफ हीट देंगे, क्या वो एक ही टेम्परेचर पर जलेंगे, ऐसा तो नहीं है ना, कोई कम हीट देगा, कोई ज्यादा हीट देगा। फॉर एग्जाम्पल कोयला सबसे ज्यादा हीट देगा, लेकिन वहीं पर काऊ डंग जो होता है वो कम हीट देगा। चलो अब एक इंपॉर्टेंट डिफिनीशन यहां पर ये है कि कैलोरीफिक वैल्यू की डिफिनीशन दी गई है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। अब जितना हीट प्रोड्यूस होता है किसी 1 kg फ्यूल को जलाने में,
उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अब कैलोरीफिक वैल्यू को आप ऐसे समझ सकते हो कि द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट, जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है अलग अलग चीजों का उसको हम किलो जूल पर किलोग्राम में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। फिर से जान लो, किलो जूल के जे पर के जी, किलो जूल पर केजी में हम इसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये यूनिट होता है कैलोरीफिक वैल्यू का। चलो अब हम अलग अलग सब्सटेंसेस के कैलोरीफिक वैल्यू देखेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये समझ लो कि कितना हीट देता है। जैसे देखो काउडंग जो मैंने अभी बताया गाय के गोबर से जो ईंधन बनाया जाता है वो 6000 से 8000 किलो जूल हीट देता है। नाउ लकड़ी वहीं पर 17000 से 22000 किलो जूल हीट देता है। नाउ एक किलो लकड़ी जलाने पर 17000 से 22000 किलो जूल हीट देता है। वहीं पर काउडंग, एक किलो काउडंग जलाने पर 6000 से 8000 किलो जूल हीट देता है। समझ गए ना, सबसे कम किसका है, काउडंग का ही तो है ना, गाय के गोबर का ही यहां पर सबसे कम है। आप देख लेना अलग अलग चीजों का अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब कितना गर्मी वो देता है, कितना हीट वो देता है। अब यहां पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अगर हम फ्यूल्स को जलाएंगे तो वो अपने पीछे बहुत ही खतरनाक प्रोडक्ट्स को छोड़ के जाता है, बहुत ही खतरनाक गैसेस छोड़ता है, जिससे ना कि केवल हमारे एनवायरमेंट गंदा होता है बल्कि हमें अलग अलग प्रकार की डिजीजेस भी होती हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। हम जितना लगातार डे टू डे हमारी जो फ्यूल का कंजप्शन है, पेट्रोल डीजल का कंजप्शन, कोल का कंजप्शन, ये दिन बे दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या होता है, हमारा एनवायरमेंट जो होता है वो पल्यूट होता है, गंदा होता है। सबसे पहला फर्क क्या पड़ता है, कार्बन फ्यूल्स वुड, जो कार्बन देने वाले फ्यूल्स हैं, जो अपने पीछे कार्बन छोड़ते हैं, जैसे लकड़ी को जलाएं तो अपने पीछे कार्बन छोड़ता है, कोयला भी अपने पीछे कार्बन को छोड़ता है, पेट्रोलियम भी अपने पीछे कार्बन को छोड़ता है, ये अनबर्न्ड कार्बन को छोड़ते हैं। अब ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ना, दीस फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स, ये बहुत ही खतरनाक चीजें होती हैं, बहुत ही खतरनाक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो कि हमारे अंदर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी को पैदा करते हैं, जिसको हम अस्थमा कहते हैं, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, अब यहां पर दिया गया है कुछ, आप इसको पढ़ लेना, ये सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ सेकंड पॉइंट, बर्निंग ऑफ फ्यूल से हमें दूसरा क्या नुकसान होता है, इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ दीज फ्यूल्स। अगर ये जो फ्यूल्स हैं, जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वुड हो गया, अगर ये ठीक से नहीं जले, इनका कम्बशन ठीक से ना हो, अगर इनका कम्बशन इनकम्प्लीट हो, तो ये अपने पीछे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि ओजोन लेयर को होल करने में सबसे बड़ा हाथ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, वो छोड़ता है। इट इज वेरी पॉइजनस गैस, ये बहुत ही जहरीला गैस है। इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। जो कोल होता है, जो कोयला होता है, उसको अगर हम एक कमरे में जलाएंगे ना, तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जो द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, वो यहां तक इंसान को मार भी सकता है। अगर एक बंद कमरे में कोयला जला के रख दिया जाए और वहीं पर कोई इंसान सो रहा हो, तो वो मर जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये कोयला होता है, वो अपने पीछे क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ता है, जो कि बहुत खतरनाक होती है। नाउ ये बूझो बोल रहा है, ओहो, सो दैट इज व्हाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन अ रूम विद बर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट। और बूझो को आप समझ में आया कि अब हमें पता चला कि क्यों लोग कहते हैं कि जिस कमरे में कोयला जल रहा हो या जिस कमरे में कोयले की धुएं निकल रहे हो, उसमें हमें नहीं सोना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या है हमें फ्यूल जलाने से, कंबस्टन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स, ज्यादातर ईंधन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, यहां पर दिया गया है, ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर। एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण का तापमान बढ़ जाना ही ग्लोबल वार्मिंग है। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी इस धरती पे, तब हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया है। मतलब ये जो पूरा धरती है, ये जो ग्लोब है, वो वार्म हो गया है। ठीक है, दिस रिजल्ट्स अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। और इनसे क्या होता है, जो हमारे बड़े बड़े बर्फ के चट्टान है, वो पिघलेंगे, और जब पिघलेंगे तो समुद्र की जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, जो कोस्टल एरियाज हैं, जैसे समुद्र के किनारे कौन कौन से शहर हैं, मुंबई है, कोलकाता है, आप देखोगे यहाँ पर अक्सर बाढ़ आते रहते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि हम
इन गैसेस का यूज बहुत ज्यादा हमने कर दिया है, हमारे फ्रिज से भी, हमारे एसी से भी, हर जगह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे हार्मफुल गैसेस निकलती है जिससे हमारी धरती का तापमान बहुत बढ़ गया है और ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे क्या होता है, जो किनारे वाले जो स्टेट्स हैं, जो समुद्र के किनारे आते हैं, वो बाढ़ में बह जाते हैं। चलो ना फोर्थ और सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम कोयला को या डीजल को जलाते हैं तो वो अपने पीछे सल्फर डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये बहुत ही ज्यादा दम घुटाने वाला गैस है और बहुत ही खतरनाक गैस है, कोरोसिव गैस है। मोर ओवर और इससे भी कहीं ज्यादा, पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो पेट्रोल की गाड़ियां होती है, जो पेट्रोल से चलती है, जैसे हमारी बाइक होता है, वो अपने पीछे क्या छोड़ता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, जो डीजल के जलने से जो सल्फर का ऑक्साइड आया था और पेट्रोल के जलने से नाइट्रोजन का ऑक्साइड आया है, अब ये दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। किस में घुल जाते हैं, जो बारिश होती है ना, इसमें ये घुल जाते हैं और एसिड फॉर्म कर लेते हैं। इसी को हम एसिड रेन कहते हैं। आप फिर से जान लो, एसिड रेन में कौन कौन सी चीजें होती हैं, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड मिक्स विथ रेन सो दैट इट कैन फॉर्म एसिड रेन। इसलिए वो क्या बना लेते हैं, एसिड रेन बना लेते हैं। इट इज वेरी हार्मफुल, ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये जो एसिड रेन है वो हमारी फसलों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, मिट्टी के लिए, इन सारी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि बिल्डिंग्स पे ना धब्बे पड़ जाते हैं। अगर जैसे हमारे ताजमहल पे भी व्हाइट संगमरमर का बना है और एसिड रेन से ताजमहल को बहुत ज्यादा नुकसान पड़ रहा है। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट इन क्लास 7th। हमने क्लास 7th में एसी ड्रेन के बारे में पहले से ही पढ़ लिया है। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी, बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी लेस अमाउंट। सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल। अब यहां पर कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल की जगह इन दिनों हम सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज कर रहे हैं, जो कि पेट्रोल और डीजल के मुकाबले थोड़ा सा कम पॉल्यूटेंट देता है, थोड़ा सा कम हार्मफुल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सीएनजी है वो सबसे क्लीनर फ्यूल है, जो सबसे साफ ईंधन है ये। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है यार, इसके आगे कुछ भी नहीं है। और आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आई होप कि मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना हमारी वीडियो को बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।